dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next unit of class plus two class. और plus two class का बेटा third unit start करने जा रहे हैं magnetic field. और इस lecture के अंदर हम लोग समझेंगे कि magnetic effects of current, current के magnetic effects क्या क्या हो सकते हैं. So last बेटा हम लोगों ने last days में हम लोगों ने दो units complete कर चुके हैं, unit number one and unit number two. यूनिट नंबर वन बच्चे 10 मार्क्स का आएगा, यूनिट नंबर थ्री जो है आपका, यूनिट नंबर टू जो है आपका टोटल 6 मार्क्स का आएगा. और यूनिट नंबर थ्री बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो देखते हैं इसमें कितने कितने मार्क्स. सो बेटा आज डिस्कस करेंगे यूनिट थ्री को. यूनिट थ्री में आप लोग देख सकते हैं कि 2 मार्क्स के बेटा, 1 मार्क्स के, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. इसके बाद 3 मार्क्स का आपको 1 क्वेश्चन आएगा, और ये 1 क्वेश्चन थ्योरी भी हो सकती है और 1 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी हो सकता है. इसका मतलब आपको इंटरनल चॉइस आएगी न्यूमेरिकल और थ्योरी के बीच में. क्लियर हो गया. नेक्स्ट है बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और इस पूरे यूनिट में बेटा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा. सो टोटल देख सकते हो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 5 और टोटल 10 मार्क्स. इसका मतलब टोटल बेटा 10 मार्क्स का आपका ये यूनिट आएगा. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, जिसको हम बिल्कुल भी छोड़कर या इग्नोर करके नहीं जा सकते. बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें पास करने में हेल्प करता है, और बहुत अच्छे नंबर लेकर पास करने में हेल्प करता है. सो जितने भी 3 और 5 मार्क्स के चैप्टर्स हैं ना, उसके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें. सो चलिए स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. सबसे पहले समझे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है? अच्छा, हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. जल्दी से याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. क्या आपको याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज? सो अगर आपको याद है, अगर आप पिछला साथ साथ पढ़ते जा रहे हो, साथ साथ टेस्ट दे रहे हो, सो आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है. मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, ठीक है जी. एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, मतलब कि रेस्ट पे पड़ा है, इसमें कोई भी ये मूव नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा. इस इलेक्ट्रॉन के आसपास अगर कोई फील्ड होगी, अगर इसके आसपास कोई फील्ड है, इसका मतलब कौन सी फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड. कौन सी फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी. हमने बोल दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब मान लो यही जो इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करना स्टार्ट कर दिया. हमारे पास एक वायर है, ठीक है. उस वायर में हमने करंट पास करवाया, करंट पास करवाया मतलब जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सबने भागना शुरू कर दिया. जैसे ही इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन में जब मोशन आ जाएगा, देन इस इलेक्ट्रॉन के आसपास एक और फील्ड क्रिएट होगी. दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर हो गई इतनी बात इलेक्ट्रॉन्स के साथ? आप लोगों को करंट के साथ ये चीज क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब है और मैग्नेटिक फील्ड कब है? अगर एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे पड़ा है, देन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, जो कि आपको एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मान लो वही इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर दिया, देन उसके अंदर क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है. सो आई विल ट्राई, जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, काफी आइडियाज आते हैं, मैं फीडबैक फॉर्म फिल करवाती हूँ बच्चों से कि आप लोग बताएं इस लेक्चर में क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को क्या और चीज की रिक्वायरमेंट है. सो मैंने काफ़ी ऐसा खुद भी फील किया लास्ट फीडबैक के अंदर ना, एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा कि मैम 3D कुछ ना कुछ साथ में दिखा दिया करो, इससे क्या होता है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जो आंखों से देखी होती चीज़ वो अच्छे से समझ लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जब मूवी देखते हो कितना इंटरेस्ट लेके देखते हो ना, अगर एक साल बाद भी उसकी स्टोरी पूछी जाए, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि फलाने हीरो ने फलाने ऐसा किया, ये एक्शन मूवी थी, उसमें ऐसा रोल आया था, एक्सेट्रा. जो लोगों, जो चीज़ें आप लोगों ने आंखों से देखी है, कानों से बहुत अच्छे से सुनी है, आप लोगों को काफ़ी डायलॉग्स अच्छे से याद होते हैं. सो मैं ट्राई करूँगी, जैसे आप लोग मुझे फेस टू फेस अभी देख पा रहे हो, मतलब मुझे फील कर पा रहे हो कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेंगी. आई विल ट्राई कि कोई ना कोई 3D मूवी भी आपको, 3D जो इफेक्ट हैं, जो जो भी है, आपको साथ साथ पिक्चर दिखाई जाए कि वो चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है. आई विल ट्राई कि सारी चीज़ मैं मैनेज कर पाऊँ. आई विल ट्राई, ठीक है जी. सो चलिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग चीज़ें हैं. आई होप आप लोगों को क्लियर होगी होगी, ठीक है. चलिए, अब स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिखेगी. डेफिनेशन लिख लो, द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर. कौन सी स्पेस अराउंड? इलेक्ट्रॉन के आसपास जो स्पेस है,
ठीक है, द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाए, कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल, मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसके आसपास स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल या कंडक्टर, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस की जा रही है किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा, दैट फील्ड इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात हो गई क्लियर। अच्छा, आप लोगों ने मैग्नेट देखा होगा, ब्लैक कलर का मैग्नेट देखा है, उसमें क्या होता है कि मान लो ये आपके पास मैग्नेट है। मैंने आज बच्चों को बोला था, जितने भी स्कूल वाले स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर सुन रहे हैं ना, बस आप लोगों का क्या बोलना ऑनलाइन, सो चलो उनको बोला कि मैग्नेट लेके आओ, मैग्नेट नहीं लेके आए मेरे लिए, चलो कोई बात नहीं। ये रहा मैग्नेट, मान लो ये आपका मैग्नेट है, आपने इसके पास कोई चीज को, इसी चीज को, एलिमेंट को पास लेके आना है। मान लो आपके पास कड़ा है या कोई भी आयरन का एलिमेंट है, उसको जैसे ही पास लेकर आओगे, जितना इतना दूर रखोगे आपको उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सपीरियंस नहीं होगी। जैसे ही आप उसको साथ नज़दीक लेके आओगे, उसको हल्की हल्की मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सपीरियंस होगी। जैसे ही उसके और नज़दीक लेके आओगे, ये जो मैग्नेट है उसने इस कड़े को या इस आयरन पीस को बहुत जल्दी से अट्रैक्ट कर लेना है। अगर अट्रैक्ट किया, इसका मतलब उसके आसपास एक पर्टिकुलर एरिया था जिसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड को अब किस बंदे ने एक्सपीरियंस करा, मतलब इलेक्ट्रॉन किस बंदे ने मतलब फ्लो कर, कोई तो साइंटिस्ट होगा जिसने मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करके देखा, फिर पता लगा कि अच्छा इसके तो अब बाहर कोई फील्ड क्रिएट हो रही है। कौन सी फील्ड क्रिएट हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड। किसने इसे पढ़ा, किसने इसको एक्सप्लेन करा? ये एक्सप्लेन करा ऑरिस्टिड ने। किसने करा? ऑरिस्टिड ने 1802 में, ठीक है, 1802 में ऑरिस्टिड नाम का एक्सपेरिमेंट, ऑरिस्टिड नाम का साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करे इलेक्ट्रॉन के साथ, चार्ज के साथ। अगर एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेंगे, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे एक और चीज क्रिएट हो रही है, एक और चीज मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो एक और फील्ड क्रिएट हो रही है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो उसने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करे चार्ज और करंट के साथ, ठीक है जी। सो चलिए पहले मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ कि उसने कैसे किया, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट को कैसे किया सिंपल समझाऊंगी, देन हम लोग स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को प्रॉपर थ्योरी बता दूंगी कि आपने कैसे लिखना है, ये समटाइम इम्पॉर्टेंट है। स्नो रूल और ऑरिस्टिड एक्सपेरिमेंट। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड वन इज ऑरिस्टिड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑरिस्टिड एक्सपेरिमेंट और सेकेंड वन, इसे और क्या बोलते हैं, स्नो रूल, SNOW, स्नो रूल। मोस्ट प्रोबेबली पंजाब बोर्ड में ऑरिस्टिड कम पूछा जाएगा, CBSE में ऑरिस्टिड ज्यादा पूछा जा रहा है, स्नो रूल पंजाब बोर्ड में ज्यादा पूछते हैं। या फिर इसको क्या बोलते हैं, अम्पेयर स्विमिंग रूल। क्या बोलते हैं? अम्पेयर स्विमिंग रूल। चलिए, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ऑरिस्टिड ने क्या किया, एक बैटरी ले ली, सबसे पहले इस तरीके से एक बैटरी ले ली, ठीक है। इस बैटरी को एक प्लग के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको बोल दिया की, ठीक है जी। अब हमें पता है करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो आपका करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। क्लियर हो गया जी। ये है आपके पास नीडल, ध्यान से देख पा रहे हो, ठीक है, देख पा रहे हो, ये है आपके पास नीडल, मैग्नेटिक नीडल। अब देख रहे हो कि मैं इसको ऐसे रोटेट भी कर रही हूं ना, तब भी जो उसकी सेंटर वाली जो नीडल है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि अगर कोई नॉर्थ पोल है, अगर ये मैग्नेट, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, अगर नॉर्थ पोल की तरफ ये अपना डायरेक्शन शो कर रही है तो ये नॉर्थ की तरफ ही रहेगा, अगर साउथ की तरफ दिखा रहा है तो साउथ की तरफ ही रहेगा। अगर मैं इसकी डायरेक्शन इस तरीके से रोटेट भी करूंगी तब भी ये, देखो ध्यान से क्या आपको दिख रहा है, ठीक है, सो तब भी ये बहुत ऐसे ही जैसे मर्जी घुमाते जाओ, ये तब भी डायरेक्शन इसकी वैसी की वैसी रहेगी। अब ये वाली नीडल हमने यहाँ पे रख दी, ये वाली नीडल हमने यहाँ पे रख दी, इसका मतलब कोई ना कोई इसका नॉर्थ या कोई ना कोई साउथ पोल है जिसकी डायरेक्शन एक जैसी रहेगी। सो मान लीजिए हमने यहाँ पे ये वाली नीडल रख दी इस तरीके से, अब किसी ना किसी चीज पे इसको स्टैंड करना पड़ेगा, सो यहाँ पे लगा दो एक स्टैंड, स्टैंड के ऊपर हमने रख दी ये नीडल। इतनी बात हो गई सबको क्लियर। अब देखो, एक क्या है आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल, और दूसरा क्या है आपका नॉर्थ पोल,
नीडल के दो पोल्स हैं, एक है साउथ पोल और एक है नॉर्थ पोल। अब ऐसे आई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इसने इसको धक्का मारा ऐसे और ऐसे ही ऊपर चला गया, इसका मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, इसका मतलब ये वाला पोर्शन नीचे आ गया और ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया। सो नॉर्थ जो है साउथ, नॉर्थ साउथ पोल नीचे आ गया, नॉर्थ पोल ऊपर गया, किस तरफ जो ये डिफ्लेक्ट करेगा, टूवर्ड्स द वेस्ट। हमारे पास फोर पोल्स है, हमें पता है ना धरती के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब जैसे ही आपने नीडल को ऐसे रखा, मान लो ये आपके पास नीडल है, ठीक है, मैं ये एग्जांपल समझाती हूँ कि मान लो ये नीडल है, ये है आपका साउथ पोल, ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, इस तरीके से आपकी नीडल पड़ी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दे देना, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो, सिंपल सी बात है। सो चलिए, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। जैसे ही करंट आया, करंट कैसे आया, ऊपर से ऐसे, क्योंकि ये जो आपने सर्किट लगाया ये नीडल के ऊपर लगाया है, ठीक है, फर्क पड़ता है, अगर ऊपर लगाओगे उसका बिहेवियर कुछ और होगा, नीचे लगाओगे बिहेवियर कुछ और होगा। सो करंट ऐसे आया, इसका मतलब इसने नॉर्थ, ये जो साउथ पोल है इसको धक्का लगाया नीचे की तरफ, आ गया ये नीचे की तरफ, इसका मतलब अगर ये नीचे की तरफ आएगा, ये जो नॉर्थ पोल है कैसे किधर मूव करेगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है, डॉटेड बना दिया ऊपर की तरफ। ऊपर क्या है आपका, वेस्ट, नीचे क्या था ईस्ट, ऊपर क्या है वेस्ट, इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में ये जाएगा, जो साउथ पोल है वो अवे हो जाएगा, नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द वेस्ट चला जाएगा, इसीलिए इसको बोला गया स्नो रूल। ध्यान से देखो, स्नो रूल, जब हमने करंट फ्लो करा, साउथ पोल इज मूव कर जाएगा साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, देन इट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ, ओ मतलब ऑफ, डब्ल्यू मतलब वेस्ट, इतनी बात हो गई क्लियर। चलो अगर इसी बैटरी को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, देन क्या होगा, मान लो अपने उल्टा कर दिया अपनी बैटरी को, ये रही आपकी बैटरी, ठीक है, सिमिलरली की लगा दो, यहाँ पे की लगा दो, फंडा वही रहेगा, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें कभी नहीं चेंज होंगी, कि आपका जो करंट है कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो रिवर्स हो गया, पहले क्या था इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, अब क्लॉकवाइज चलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये करंट चल रहा है आपका, ओके। सो ये रही आपकी सेम टू सेम मैग्नेटिक नीडल, यहां पे रख दो, ये कौन सा पोर्शन था साउथ पोल और ये कौन सा था नॉर्थ पोल, यही था। अब ध्यान से देखो, स्टैंड लगा दो, स्टैंड पर रख दो इसको इस तरीके से, ये आपका स्टैंड है। अब ऊपर से करंट आया, ऊपर से करंट आया, इसका मतलब इसने नॉर्थ पोल को धक्का मारा नीचे की तरफ, ऐसे जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है, करंट ऊपर से आया, आया आया, इसको धक्का मारा, ये नीचे गया, साउथ पोल ऊपर चला गया, इतनी बात हो गई क्लियर, कि यहां से करंट आया, जो भी जहां से भी करंट आएगा, जैसे ये आया करंट, इसने इसको धक्का मारा, ये नीचे चला गया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, सिमिलरली यहां से करंट आ रहा है तो नॉर्थ पोल को धक्का दिया और ये नीचे चला गया, साउथ पोल ऊपर चला जाएगा। सो नॉर्थ पोल आ गया नीचे की तरफ ऐसे और साउथ पोल चला गया ऊपर की तरफ। अच्छा, अगर आपको नीडल बनाने में दिक्कत आ रही है, आप सिंपल बना सकते हो, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, जब डिफ्लेक्ट हुआ तो डॉटेड लाइन में ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे बना दो, अगर आपको ये वाली नीडल बनाने में दिक्कत आ रही है। अब देखो, नॉर्थ पोल ऐसे गया, साउथ पोल ऊपर गया, अगर नॉर्थ पोल नीचे गया तो कौन सी किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, टूवर्ड्स द ईस्ट, क्लियर होगी जितनी बात, बेटा सब ये चीजें सबको क्लियर है कि क्या पढ़ा है हमने। अरिस्टिड मतलब कि उसने स्नो रूल दिया, और अरिस्टिड 1802 के अंदर उसने मैग्नेटिक इफेक्ट फाइंड आउट करे विद द हेल्प ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स उसने लिए, बैटरी लगाई, करंट फ्लो करा और देखा उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है। सो इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि अगर आप लोग एक मैग्नेटिक नीडल को बाहर लोगे, मैग्नेटिक नीडल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ही इफेक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्ट तो टच हो नहीं रहा, फिर भी इसके अंदर, इसकी वजह से बाहर वाली कोई सुई या नीडल हिल गई, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर गई, जिसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे कोई और फील्ड है, दैट फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड,
इतनी बात हो गई जी क्लियर। सो चलो इसको सिंपल लैंग्वेज में एक बार देख लेते हैं कि इसको कैसे पढ़ना या कैसे इसको लिखना है। सो देख लो बेटा, अपनी कॉपी पे हम लोग ऐसे लिखेंगे। नंबर वन, व्हेन द वायर इज हेल्ड अबव द नीडल, जैसे ही नीडल के ऊपर रखेंगे, एंड द नीडल करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आपका जो करंट होगा वो साउथ से नॉर्थ तक जाएगा, साउथ इस तरीके से ऊपर जाएगा और साउथ टू नॉर्थ की तरफ आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा। द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। फर्स्ट डायग्राम क्लियर हो गई। अब बी पे आ जाओ। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, जैसे ही आपने बैटरी रिवर्स कर दी, सो दैट इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ आपका करंट फ्लो करेगा, एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट, इसका मतलब जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर हो गया जी? बिल्कुल सिंपल सा, हल्का फुल्का सा आपकी जो पार्ट है। सो चलिए इसको वीडियो के थ्रू समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो के थ्रू समझते हैं। 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। 2 मार्क्स का तो नहीं आएगा क्योंकि 2 मार्क्स का इस चैप्टर में से नहीं आएगा। सो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, स्नो रूल क्या है या कैसे काम करता है, या MCQs की फॉर्म में ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। सो चलिए एक बार वीडियो में देखते हैं। सो बेटा 1820 में ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट दिया। सो इस तरीके का कोई सेटअप है, ठीक है, ऐसा सेटअप है जिसमें उन्होंने एक नीडल ले ली, की ले ली, एक बैटरी ब्लैक कलर की जो है वो बैटरी है, नीचे है रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या चीज़ है? जो करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, मतलब वैल्यू को चेंज कर सकता है। दिस इज़ अ बैटरी, बैटरी के 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, नेक्स्ट इज अ टैपिंग की रिहोस्टेट, और हमें सेंटर में चाहिए एक नीडल, नीडल का एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा। क्लियर हो गया? एक स्टैंड के ऊपर इसे आप लोग रख दें और बैटरी को ऑन करना है। जैसे ही आप बैटरी को ऑन करेंगे मतलब कि करंट फ्लो होगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा ए टू बी आपकी जो नीडल है डिफ्लेक्ट करेगी। आप देख सकते हैं कि वायर के आसपास एक डॉटेड लाइन में शो करा है, दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी जो नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में होगी, इसलिए वो डिफ्लेक्ट करेगी। सिमिलरली अब नीडल को वायर के ऊपर रख दो, मैंने पहले ही बताया कि ऊपर या नीचे दोनों डायरेक्शन चेंज होंगे। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब जो नीडल है वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर हो गई इतनी बात? जैसे ही आपका करंट फ्लो करेगा वैसे ही आपकी नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। आइदर आप नीडल को डाउनवर्ड रखें या अबव रखें, ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे आप नीडल को ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, जैसे ही करंट फ्लो करेगा आपकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द वायर या मैग्नेटिक फील्ड आपकी नीडल की डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगी। सो एक तरीका ये है कि आप नीडल को ऊपर रखें या नीचे रखें। दूसरा तरीका क्या है? आप बैटरी चेंज कर दो, बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दो, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर हो गया जी? बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छे से क्लियर हो रहा है, लेक्चर को लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो। सो बेटा जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, बिकॉज आप लोग चैनल को फॉलो करते हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, देन टीचर को इंटरेस्ट होता है कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा काम किया जाए। सो ट्राई करो कि जितना चैनल को शेयर कर सकते हो, जितनी वीडियोस को शेयर कर सकते हो करें, ठीक है जी? सो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।